बंद करो इस गाने को। इस गाने पे ही मेरे को कॉपीराइट आया था उस टाइम में, मैं कॉपीराइट आ गया था चैनल पे। मैं नहीं चाहता ये सब गाना कॉपीराइट वाला चलते रहे हमारे चैनल पे। और खैर मेरे को अपडेट्स भी देने हैं, तो खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? मैं आपका भाई उज्जवल, एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने फ्री फायर के आने वाले अंदर अपकमिंग अपडेट के बारे में, यानी कि फ्री फायर के अंदर आने वाले अपकमिंग अपडेट के बारे में। एंड इससे पहले आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग टाइटल पे एंड थंबनेल पे भी देखा होगा कि यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सुपर मार्केट को लेकर के जिक्र किया है वीडियो में। एंड आपको आज की वीडियो में सुपर मार्केट का डेट बताऊंगा, या मैं मिस्ट्री शॉप सुपर मार्केट वाई क्या आपको रीजन मतलब क्या जो पूरा का पूरा अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम लोग गेम के अंदर अपडेट आया हुआ है यहाँ पे प्ले बॉय को लेकर के, ये वाला जो गन का स्किन है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको ना ही लाइट पास के अंदर एलिट पास के अंदर देखने को मिलेगा, ना ही कहीं पे देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा आर्मोरी के अंदर, जो कि मैंने भविष्यवाणी उस टाइम पे कर दिया था, खैर सच निकला। तो खैर मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो जानते होंगे कि ना उज्जवल भाई ने बोला था कि ये गन का स्किन जो है पूरा का पूरा आर्मोरी पे आने वाला था। खैर आप लोग जाके परचेस कर सकते हो कि इसका रेट ऑफ फायर जो है वो अच्छा है, रेट ऑफ फायर डबल है, तो भाई गन जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है इन फ्यूचर एक नया बैकपैक जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एंड आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब अगला अपडेट हम लोग का निकल के आता है पूरा का पूरा यहाँ पे एंड्रयू कैरेक्टर को लेकर के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एंड्रयू कैरेक्टर का एक नया बंडल आपको इन फ्यूचर गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, और ये बंडल पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड ये अभी दूसरे सर्वर पे चल रहे एंड्रयू को लेकर के ये नया बंडल, भाई कैसा लगा नीचे बताना कमेंट्स में। मतलब कि एंड्रयू जो है मतलब कि काफ़ी अच्छा लगने वाला ये बंडल गेम के अंदर। तो देखते हैं, अब तो बंडल इतने सारे गेम के अंदर आ रहे हैं वो तो अच्छा आ रहे हैं, आप बताइएगा कैसा आ रहा है भाई नीचे कमेंट्स में। बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट आता है हम लोग का पूरा एक बग आया हुआ है, ठीक है, ये फ्री फायर के अंदर की, यहाँ जैसे कि ग्लाइडर आकाश में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ग्लाइडर बहुत जल्दी आपको हो सकता है तो टेस्टिंग मोड पे रखा गया है ग्लाइडर को। तो ग्लाइडर को बताया जा रहा है कि ग्लाइडर आपको जो है यहाँ पे गेम के अंदर रैंक के अंदर भी देखने को मिलेगा, बट ये अभी टेस्टिंग मोड पे है और ये हम लोग ओनली क्लासिक कैजुअल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड इसके अंदर एक बग चला हुआ है कि यहाँ पे ग्लाइडर आकाश में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको, अच्छा मैं पूछता हूँ कि आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि मतलब कि आकाश में ग्लाइडर अपने आप उड़ रहा है बिना किसी बंदे के? तो भाई मेरे को नीचे बताना कमेंट्स में। खैर बात कर लेते अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट में एक इवेंट के ऊपर बात करेंगे, डायमंड रोल वाउचर के ऊपर, डायमंड रोल न्यू बंडल के ऊपर भी अपडेट करेंगे। जैसे ही डायमंड रोल का आज रात को आता है तो मैं पूरा का पूरा रिव्यू करूंगा 12 बजे रात को, तो जो लोग जगह रहेंगे देख ही लेंगे। खैर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा एक नया इवेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक नया इवेंट हमें देखने को मिलता है जो कि अभी चल रहा है पूरे के पूरे दूसरे सर्वर पे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा जो हम लोग का इंक्यूबेटर पे है, ब्लू प्रिंट है, एंड इसके साथ हमें देखने को मिलता है वो क्या, वो डेथ बॉक्स जो है वो वाला। तो मतलब ये सब बहुत महंगे हैं यार, और यहाँ पे पूरे के पूरे रिचार्ज इवेंट पे मिल रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है उन लोगों की तरफ, देखते हैं हम लोगों की तरफ आता है तो क्या होता है, ऐसा कुछ इवेंट आ सकता है। तो इसलिए मैंने बता दिया क्या छोटा सा अपडेट था। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पूरे का पूरे डायमंड रॉयल न्यू बंडल के ऊपर। तो आपको डायमंड रॉयल के अंदर जो है ये बंडल देखने को मिलेगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है गाइस, और जो कि अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोगों के यहाँ पे सिल्वर, ये सिल्वर है ना, सिल्वर ये जो हम लोग का अभी बंडल है तो सिल्वर इसका कुछ होने वाला है कंडीशन, और ये ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये 11 तारीख को आने वाला है, आज कितना तारीख हो गया, तो आज हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे 10 तारीख, यानी कि कल आ जाएगा, यानी कि 12 बजे रात के बाद आपको देखने को मिल जाएगा ये बंडल हम लोग के डायमंड रोल के अंदर। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पूरा का पूरा सुपर मार्केट के ऊपर। तो अब पूरा का पूरा जिक्र करने वाले सुपर मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे बात आता है पूरा का पूरा कि भैया यहाँ पे आखिर सुपर मार्केट देखने को मिलेगा कि मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा? तो मैं बता दूँ आपको कि पहले सुपर मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और सुपर मार्केट के बारे में थोड़ा जिक्र कर लूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे इसको 75% आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे 75% डिस्काउंट तभी देखने को मिलेगा, कुछ कंडीशन इन लोगों का होता है, वो कंडीशन पूरा होता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इतना डिस्काउंट। यानी कि अंदर सिंपल तरीके से हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको जितने डिस्काउंट 75% तक देखने को मिलते हैं, और जहाँ तक मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन का, तो यहाँ पे 75% तक डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे परचेस लिमिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब कितना डिस्काउंट हमें देखने को मिल ही जाता है, और यहाँ पे सुपर मार्केट पहले देता है मिस्ट्री शॉप से, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जिनको पता नहीं होगा मैं बता दूँ कि सुपर मार्केट पहले आता है, उसके बाद मिस्ट्री शॉप बाद में आता है। खैर यहाँ पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट मिलते हैं, वहाँ पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सुपर मार्केट के अंदर ये जो हम लोगों का बंडल था, ये जो भूत वाला बंडल मैं बोलता था इसको, ये भूत वाला बंडल आपको देखने को मिल सकता है, उसके अंदर आप इसे परचेस कर सकते हो गाइस। एंड ये सुपर मार्केट 3.0 है, और ये अपडेट आपको पूरा का पूरा मैं बता दूँ इसका टाइम लिमिट बात कर लूँ तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे
आप जो इसे परचेस करना चाहोगे भाई, डायमंड्स बचा के रखो गाइस, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि डायमंड्स कहीं पे बर्बाद मत करना। फ्री फायर अब लालच देगा आपको ताकि आप डायमंड्स को बर्बाद करो, और यहाँ पे आपके पास डायमंड्स ना हो और सुपर मार्केट आए, मिस्ट्री शॉप आए, और ऐसे ही आप मिस कर दो सुपर मार्केट और मिस्ट्री शॉप को। तो यहाँ पे आप अपने डायमंड्स को बचा के रखो, ये आपका भाई बोल रहा है, और अगर आप बचा के रखोगे तो आपका सुपर मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बंडल्स मिल जाएंगे, और सुपर मार्केट का टाइम लिमिट पूरा बात कर लिया जाए तो मैं बता दूँ आपको कि अभी तो हम लोगों का लगता है कि 11 दिन 10 दिन जो भी हो, अभी तो वो मतलब कि एलीट पास आए हो ही गया, और यहाँ पे हम लोगों को एलीट पास फ्री में मिल चुका है, और यहाँ पे हमें जो है मिस्ट्री शॉप के कुछ मतलब कि एलीट पास ऐसे ही आता है, तो कुछ दिन के बाद मतलब बात कर लो तो 10-15 दिन के बाद ही हमें देखने को मिल जाता है सुपर मार्केट। एंड सुपर मार्केट की बात की जाए तो सुपर मार्केट आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे 5-7 दिन के अंदर, यानी कि 5-7 दिन के अंदर मैं बता दूं तो आपको कुछ और इधर भी मिल सकता है लेकिन उधर भी मिल सकता है। तो मतलब इसके लिमिट में 5-7 दिनों के लिमिट में इधर उधर करके आपको देखने को मिल जाएगा मिस्ट्री शॉप, और उसके मिस्ट्री शॉप बोल रहा हूँ मैं, सुपर मार्केट एंड मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। एलीट पास के खत्म होने का इंतजार करो, तब आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस ऑल। ओके, शाम को 12 बजे, रात को 12 बजे रिव्यू करूंगा पूरा कंप्लीट।